सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से लेंगे, एफएनओ सुपरस्टार मानस से, सुदीप शाह से चाट का चमत्कार, और आशीष चतुर्मोहता हमारे साथ जुड़ेंगे, मिड कैप फंडा के लिए जुड़े हुए इनफैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सस्ता ऑप्शन। शिल्पा जी बताइए ट्रेड आपकी। अनुजी सस्ता ऑप्शन रहेगा, थोड़ा आई मीन डिफिकल्ट कॉन्ट्रेरियन व्यू है फ्रॉम बैंकिंग। यहाँ पे मुझे लगता है फेडरल बैंक में आप ध्यान दे सकते हैं। फेडरल बैंक अच्छे ब्रेकआउट पे है, 200 के ऊपर वापस सस्टेन कर रहा है, तो 210 का कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज का, जो रफली अभी 4.60 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2 रुपए का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 रुपए का, इसके ऊपर जाता है तो 10.5 से लेके 12 के भी आपको टारगेट आते हुए मिलेंगे। फेडरल बैंक 210 का कॉल आप लेकर चलेंगे। एफएनओ सुपरस्टार मानस बताइए आपका ट्रेड। देखिए जो सबसे पहले आज मॉर्निंग में मैंने मार्केट ओवर पर उन्होंने के बाद दिया था टाटा मोटर्स, वही रिकमेंडेशन अभी भी है। उसके तो टारगेट अचीव हो गए, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट हमने टाटा मोटर्स पे देखा है उसको देख के लग रहा है कि ये रैली यहाँ नहीं थमेगी, इसलिए टाटा मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो रहेंगे 1079 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और 1125 तक के टारगेट्स पॉसिबल है टाटा मोटर्स के अगस्त मंथ के फ्यूचर में। अगर चाहें तो 1100 वाला कॉल ऑप्शन अगस्त मंथ का वो भी ले सकते हैं, उसके प्राइस चल रहे हैं करीब 47 रुपीज के, उसमें आपको 34 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 70 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके आपका ट्वीट हो गया टाटा मोटर्स एट ऑल टाइम हाई। सुदीप शाह से पिक करते हैं आपका चार का चमत्कार। सुदीप क्या पिक कर रहे हैं आप? विनु जी मुझे लग रहा है बीपीसीएल बाय करना चाहिए। यहाँ पे पिछले 4-5 हफ्तों का जो एक कंसोलिडेशन था वहां से आज एक ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है वॉल्यूम्स के साथ, और बीपीसीएल के साथ साथ सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी तेजी की तरफ जा रही है, तो और साथ ही साथ क्रूड प्राइसेस में भी हमने नरमी देखी है, तो वो एक एडिशनल बेनिफिशियरी रहेगा ये स्टॉक के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे वॉल्यूम के साथ जो हिसाब से एक ब्रेकआउट आया है आज, तो बीपीसीएल में बाय करना चाहिए 317 के स्टॉप लॉस से 333 और 335 के टारगेट्स के लिए। ओके बीपीसीएल में बाय करना है, 306 पे था ये बजट वाले दिन और अब 324 पर। आशीष चतुर्मोहता आपका मिड कैप फंडा। जी तो अनुज देखिए हम ऑटोमोबाइल सेक्टर पे काफी पॉजिटिव, और यहाँ पर पे हम एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है मदरसन सुमी या संवर्धन मदरसन, इसके ऊपर काफी बुलिश है, और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में भी बना हुआ है। हमारा ये मानना है कि एक तो मदरसन सुमी जो कि एक $14 बिलियन का रेवेन्यू पूरा ग्रुप ये कंपनी क्रिएट करती है, और अगर से आप इस पर्टिकुलर कंपनी की बात देखें तो 5 से 6 क्वार्टर में कंपनी की जो ग्रोथ है वो 20% रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नजर आई। इस पूरे डिकेड में इस कंपनी ने करीब 30+ एक्विजिशंस किए, और अगर से आप ग्लोबल ऑटोमोटिव सप्लायर की रैंकिंग देखेंगे तो ये कंपनी जो एक समय पे टॉप 40 कंपनीज के अंदर में आती थी 2005 में, आज ये आती है टॉप 15 के अंदर में। तो आप देखेंगे कि इन्होंने जो इनका जो मार्केट शेयर है वो 0.4% से बढ़ के आज ग्लोबल ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर में 2.5% पर आ चुका है, और अब हमें लगता है कि जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री कस्टमर्स से अक्रॉस द ग्लोब आना शुरू हो चुकी है, प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड शुरू हो चुका है, और जिस तरह से सप्लाई चेन के कंसर्न्स ईज आउट हो रहा है, मुझे लगता है मदरसन सुमी संवर्धन मदरसन एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। फाइनेंशियल 26 में हम कंपनी की जो ईपीएस है उसको 8.25 रुपए एक्सपेक्ट करते हैं, और टेक्निकली मेरा मानना है कि स्टॉक में एक बहुत बढ़िया बेस 180 पे बना है, जिसके चलते मुझे लगता है 230 तक की एक अपसाइड मीडियम टर्म में संवर्धन मदरसन सुमी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 190 पर है तेजी वाला ट्रेड। फटाफट से सारे ट्रेड में दोहरा रही हूँ, इस बीच पीएनबी हाउसिंग भी स्क्रीन पर रखेंगे। फेडरल बैंक के साथ शुरुआत हुई, 210 का कॉल लेने की सलाह, 8 और 12 ये टारगेट रहेंगे शिल्पा की तरफ से, स्टॉप लॉस भी आप 2 रुपए का नोट कीजिएगा। 1125 के लिए एक बाय कॉल मानस ने दिया है एफएनओ सुपरस्टार में, टाटा मोटर्स पर 1079 स्टॉप लॉस रहेगा, 1125 टारगेट है। बीपीसीएल पसंद है सुदीप को, ये बना चार्ट का चमत्कार 333 और फिर आगे 335 के लेवल्स आएंगे, 317 का भी स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा, और 230 की तैयारी में संवर्धन मदरसन है। तो ये है मिड कैप फंडा जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा इस बीच पीएनबी हाउसिंग आपकी